वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। वृश्चिक राशि स्थिर राशि है, वह ब्राह्मणीय राशि है। वृश्चिक राशि सम राशि है, स्त्री राशि है। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। वृश्चिक राशि जो है नॉर्थ की डायरेक्शन की राशि, उत्तर की राशि मानी जाती है। और इसका जो स्थान होता है छेद इसका स्थान होता है। वृश्चिक राशि के जातक जो होते हैं थोड़े शरीर के अनुपात से सही होते हैं, साधारणतः थोड़े लंबे चौड़े होते हैं, ढील ढाल औसत में अधिक औसत थोड़ा ठीक ठाक होता है। इनका चेहरा थोड़ा चौड़ा होता है, देखने में रोबदार होते हैं, बाल छोटे व थोड़े घुंघराले जैसे होते हैं। ये इनकी मसल्स बिल्डिंग अच्छी होती है। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। मंगल ग्रह के स्वामित्व के प्रभाव से ये विशेष रूप से दृढ़ निश्चय रखते हैं, यानी इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो स्ट्रांग होता है, मतलब स्ट्रांग होते हैं ये लोग। ये दृढ़ निश्चय होता है मंगल का, क्योंकि मंगल राशि का स्वामित्व इसको प्राप्त होता है। इसकी पसंद व नापसंद विशिष्ट होती है। निश्चित तर्क और वैज्ञानिक विश्लेषण में ये विश्वास रखते हैं, यानी कि एनालिटिकल होते हैं थोड़ा, और लॉजिकल बात करना पसंद करते हैं। वे कभी आलसी नहीं होते, वे फालतू बातों में से थोड़ा कतराते हैं, फालतू की बात उनको समझ में नहीं आती है। इसमें इनमें बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, क्योंकि जैसे ये लोग जो है जल तत्व की राशि है और अग्नि इसका अग्नि से रिलेटेड है, कि मंगल की राशि है तो अग्नि का रिलेशन है। तो पानी में उबाल की माफिक आप समझ सकते हो, पानी में जब उबाल आया था तो वैसा क्रोध इनमें आता है। वह खुले विचारों वाले साधारण जनरली सरल व्यक्ति होते हैं, परंतु वह गुप्त विषयों के को गुप्त ही रखते हैं उनमें, क्योंकि आठवां स्थान गुप्त विषयों का स्थान होता है, तो थोड़ा गुप्त नहीं रखने में थोड़ा अच्छे मजबूत होते हैं। वह भावनाओं से भरपूर होते हैं। वह लक्षण देखकर रोग का निर्णय करने में निपुण होते हैं ये लोग। अपना प्लीज माइक ऑफ रखें। ये चिकित्सा क्षेत्र में या यातायात निर्यात आयात निर्यात के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह कार्य करते हैं। राइट, ये आयात निर्यात के काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य में या चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा करते हैं। वे जीवन का भरपूर जीवन को भरपूर संतुष्टि से संतुष्टि से होकर मतलब व्यतीत करते हैं। मतलब जीवन को संतुष्टि से व्यतीत करना इनको थोड़ा अच्छा लगता है और व्यतीत करते भी हैं। ये ज्यादा जल्दी हार नहीं मानते, लेकिन लेकिन थोड़ा लड़ थोड़ा जल्दी लेते हैं और थोड़ा जल्दीबाजी में रहती है। अगर वृश्चिक लगन के जातकों की कुंडली में लगन में शुक्र गुरु व पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक का संबंध कई बार अनेक संबंध होते हैं और थोड़ा से निम्न वर्ग के लोगों से संबंध बन जाते हैं। वृश्चिक लगन के जातक बहुत ही बहुत सेल्फ प्राउडी काइंड ऑफ लोग होते हैं और उनमें स्वार्थ भी काफी होता है। बड़ा देखने अपने को बड़ा दिखाने की चेष्टा भी थोड़ी सी रहती है, और या इन अदर वे ये देखा जाए कि दूसरे को नीचे कर दो तो अपने आप को बड़ा कर दो, ऐसा उनमें थोड़ा सा फीलिंग आती है। इस लगन के जातकों का आपको पारिवारिक जीवन तभी सुख हो सकता है जब वे परिवार के लोग इनका कहना माने। तो अगर इनकी बात नहीं मानी आती है तो जनरली ये लोग थोड़े डिससेटिस्फाइड होते हैं, तो पारिवारिक सुख में दिक्कत आती है। इस लगन की स्त्री जो होती है वो उनमें एक फीलिंग होती है, पुरुषार्थ की फीलिंग होती है इस लगन में। और ये लगन के जो लोग होते हैं, इन लगन के लोगों को अगर आप देखेंगे तो जनरली ये लोग जो है थोड़ा जितनी भी कार्य जो फोर्सेस से रिलेटेड कार्य होते हैं, जैसे पुलिस फोर्स जासूसी का कार्य है, या फिर कोई ऐसा पुलिस फोर्स के अलावा आर्मी पुलिस बल फोर्स बल, ये सारे कार्य जो होते हैं, प्लस इंजीनियरिंग रिलेटेड भवन निर्माण टेलीफोन बिजली के रिलेटेड कार्य है, या फिर समुद्री यात्रा समुद्र से रिलेटेड खाद्य पदार्थ से रिलेटेड कार्य हैं, इस तरह के कार्य से होते हैं, या चिकित्सा या मैकेनिक या ठेकेदार जमीन जायदाद एजेंट वाले कार्य हैं, ट्रक कर्मचारी रेल कर्मचारी, ठीक है, फैक्ट्री दुकानें फैक्ट्री वर्कशॉप जो होते हैं वर्कशॉप वाले कार्य हैं, या अगर नेगेटिवली देखा जाए तो चोरी डकैती, नेगेटिवली अगर देखा जाए तो होटल इंडस्ट्री होटल या रेस्टोरेंट लोहे या स्टील का कोई कार्य है, तंबाकू सिगरेट के कार्य है, इस तरह के कार्य या बीड़ी सिगरेट के कार्य, इस तरह के कार्य में ये लोग थोड़े से आपको कनेक्टेड पाए जाएंगे। अगर वृश्चिक लगन अगर कमजोर होगा तो कमजोर व्यवस्था में ये लोग जो होते हैं इनमें साहस होने के बावजूद भी जनरली अपनी बात को साहसी तरीके से सामने वाले को बता नहीं पाते, अपने आप अपने बात को थोड़ा कमजोर तरीके से बताते हैं, बल्कि इस चीज पे विश्वास थोड़ा ज्यादा करते हैं कि कोई योजना बना के किसी को हराया जाए।
ऐसे लोग थोड़ा थोड़ा तोड़ाफोड़ी करने वाले, शालू, जुनूनी, अविवशाई या जिद्दी होते हैं, यानी कि थोड़ा अनट्रस्टफुल कैटेगरी में आप कह सकते हो। अगर ये लोग, अगर इनका जो ऋषि लगन के लोग अगर ऋषि शक्तिशाली होते हैं, तो इनका जो व्यक्तित्व होता है, इनका जो आचरण होता है, चुंबकीय होता है, बड़े आकर्षित होते हैं, लोगों को कनेक्ट कर लेते हैं, जोड़ के रखते हैं। ऐसा ऐसे व्यक्ति को लोग जनरली फिर मुड़ मुड़ के देखते हैं, बुद्धिमान होते हैं, मनोरंजक होते हैं ये लोग। ये लोग अपनी दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। ये लोग भावुक वफादार होते हैं, उस केस में अगर इनका वृश्चिक लग्न स्ट्रांग होता है और पॉजिटिव होता है, तो भावुक वफादार होते हैं। अपना जो लव लव लाइफ होती है उसके अंदर स्टैंड करते हैं और धोखा नहीं देते। उस केस में भावनाओं, दूसरों की भावनाओं में आ जाते हैं, दूसरों की भावनाओं से में आके खुद को आघात पहचान लेते हैं ऐसे लोग, और थोड़े उदार दिल के हो जाते हैं, क्योंकि जल तत्व की राशि है, थोड़े उदार हो जाते हैं, तो उससे इन दूसरों के साथ बह जाते हैं जल्दी से, और उसकी वजह से इनको नुकसान हो जाता है। वृश्चिक लग्न के लोगों की ये आमतौर पे थोड़ी हम इसकी कैटेगरी देख सकते हैं, मेहनती होते हैं, उत्साहित होते हैं, दयालु होते हैं, और थोड़ा इनका जो रंग होता है हल्का सांवला सा रंग होता है, इनका थोड़ा गेरुआ रंग कह सकते हैं, इस टाइप का इनका रंग होता है। साहसी होते हैं, डरते नहीं है, सामने से स्टैंड करते हैं, अपफ्रंट रहते हैं, दूसरों को कुछ भी बात करने में या कहने में चूकते नहीं है, लेकिन लेकिन जब कोई बात योजना की आती है या दूसरे से एक प्रकार से इनको कोई मतलब इट्स लाइक कॉम्पीट कर रहा होता है, तो सामने से कॉम्पीट ना करके योजना तरीके से कॉम्पीट करना पसंद करते हैं, क्योंकि जिसके वजह से उनको नुकसान भी हो जाता है। राधा दे उनके पास हिम्मत होती है, बट ये सामने नहीं आते हैं। वृश्चिक लग्न के लोग जो रहते हैं, इनमें इनमें एक एंथुसियाज्म लेवल बहुत स्ट्रांग होता है, समस्या से डरते नहीं है, समस्या का दृढ़ विश्वास रखते हुए इसका सामना करते हैं वृश्चिक लग्न के लोग। वृश्चिक लग्न के लोग जो होते हैं, उनका जो उसका वृश्चिक लग्न का जो चिन्ह है वो बिच्छू है, तो ऐसे लोग वृश्चिक लग्न के लोगों के अंदर जो बिच्छू वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो थोड़े उसमें देखे जाते हैं, यानी कि वो कई बार ऐसा देखा जा सकता है कि अगर वृश्चिक लग्न के अंदर पाप प्रभाव होता है, तो लोग जो है बैक बाइटिंग या पीछे से, जिसे कहते हैं पीछे से छुरा घूपना वाला काम भी ऐसा लोग कर लेते हैं, अगर लगन वीक होता है या लगन पे पाप प्रभाव ज्यादा होता है, विच मीन्स कि ये लोग अविश्वसनीय बन जाते हैं, उस टाइम पे खतरनाक बन जाते हैं, स्टैंडेबिलिटी इनकी वीक हो जाती है। अदरवाइज अगर ये पॉजिटिव होते हैं तो दे आर वेरी इमोशनल, दे आर भावुक, और ये एक दूसरे की सहायता करते हैं। वृश्चिक लगन के लोग वृश्चिक लगन के जो लोग होते हैं, ये लोग अपनी पहचान बड़ी बनाने में के लिए थोड़ा महत्वाकांक्षी होते हैं, कि अपनी पहचान को एक स्टैंडेबिलिटी बनाई जाए, और ये उसके लिए कार्य करने की हमेशा हर समय कोशिश करते हैं, और जल्दी से हार नहीं मानते, जल्दी से डरते नहीं है, जल्दी से बैठते नहीं है, लगे रहते हैं, चाहे इनको सफलता मिले या सफलता नहीं मिले, बट ये प्रयत्नशील रहते हैं ये लोग। वृश्चिक लग्न के लोग वृश्चिक लग्न के लोग जो है चीजों को छुपा के रखने में थोड़ा जासूसी जैसे काम या जासूसी के अंदर थोड़े स्ट्रांग होते हैं, दूसरों को जासूसी के अंदर इंटरेस्ट भी जाता है, दूसरा लोग क्या कह रहे हैं इनके बारे में, ये लोग दूसरा कोई इनके बारे में क्या समझता है, इस चीज को समझने में, इस चीज को देखने बालने के लिए इनकी एक एक अंदर से एक फीलिंग रहती है, कि दूसरे लोगों को के फाइंड आउट किया जाए कि व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट देम, ऐसी इनके अंदर एक फीलिंग रहती है। वृश्चिक लग्न के लोग वृश्चिक लग्न के लोगों को जल्दी थोड़ा इनकैपेसिटेट टू अदर पीपल, इनको जेनेटिकल इश्यूज कंपेरेटिवली जल्दी हो जाते हैं, अगर इनका लगन वीक होता है तो जेनेटिकल इश्यूज इनको जल्दी होने की संभावना बढ़ जाती है। ये विषय लगन के कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी।